अनीता से मिलिए। आज अनीता के बच्चे का पहला जन्मदिन है। वह कितनी सुंदर, स्वस्थ और सबल लग रही है। पर एक समय था जब अनीता का रंग बहुत फीका पड़ गया था और वह अक्सर कमजोरी और थकावट महसूस करती थी। उसकी सांस फूल जाती थी और उसमें अपने बच्चे को उठाने की या फिर अपने परिवार के लिए पानी लाने तक की ताकत भी नहीं थी। उसके बाल और नाखून रूखे पड़ गए थे और उनकी चमक भी चली गई थी। यह सब देखकर वह बहुत दुखी और परेशान हो गई। क्या आप बता सकती हैं कि अनीता को क्या हो गया था? यह सब संकेत अनीमिया के थे। अनीमिया खून में आयरन की कमी से हो जाता है। आयरन हमारे खून के अंदर पाया जाता है। हमारे देश में कई महिलाओं को और लड़कियों को खून की कमी हो जाती है, जिसके लक्षण होते हैं कमजोरी, थकावट और सांस फूल जाना। इससे महिलाएं जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगती हैं। यदि बहुत समय तक खून में आयरन की कमी का इलाज ना किया जाए तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन या समस्या हो सकती है, जो आगे जाकर बांझपन या बच्चा ना होने का कारण बन सकता है। अनीता खून की कमी होने से इसलिए बीमार पड़ गई थी क्योंकि वह संतुलित आहार नहीं खा रही थी। उसके खाने में प्रोटीन, आयरन और अनेक पौष्टिक तत्वों की कमी थी। इसके अलावा वह बिना चप्पल पहने इधर उधर चली जाती थी, जिससे उसके नंगे पैरों से होकर हुकवर्म यानी केंचुआ नाम का कीड़ा उसके पेट तक पहुंच गया। हुकवर्म या केंचुआ वह कीड़ा होता है जो खून चूसकर शरीर में आयरन या खून की मात्रा को कम कर देता है। जवान लड़कियों के लिए पर्याप्त मात्रा में खून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके शरीर में खून की ज़रूरत बढ़ जाती है। महीना होने पर खून के साथ साथ शरीर से आयरन भी निकल जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। गर्भ के दौरान दोनों माँ और बढ़ते बच्चे को अधिक खून की ज़रूरत होती है। इस वक्त अगर आयरन या खून की कमी हो जाए तो ये माँ की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसे बच्चे को जन्म देने में मुश्किलें आ सकती हैं और उसकी जान भी जा सकती है। पर कुछ सरल उपाय करने से खून में आयरन की कमी का इलाज हो सकता है और उसे रोका भी जा सकता है। सबसे पहले, जब भी आप बाहर निकलें तो जूता या चप्पल पहनकर चलें। दूसरा, इस बात की जानकारी रखें कि आपके इलाके में कौन कौन से खाने आयरन से भरपूर हैं और उन्हें कैसे अपने रोज के खाने में शामिल करके आप अपने परिवार और अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मुर्गा और मछली में आयरन की मात्रा अधिक होती है और यह आयरन बहुत आसानी से खून में आ जाता है। पर पेड़ पौधों से भी हमें कई खाने मिलते हैं जो आयरन से भरपूर होते हैं, जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां और राजमा। जब दाल, राजमा, चना और अन्य फलियों को चावल के साथ मिलाकर खाया जाए तब आहार अधिक पौष्टिक और संतुलित बन जाता है। शाकाहारी भोजन से अधिक आयरन पाने के लिए भोजन को विटामिन सी युक्त खानों के साथ खाएं। उदाहरण के लिए साग में नींबू का रस निचोड़ लें और राजमा खाने के बाद एक संतरा खा लें। अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर खून की जांच करवाएं। इससे पता चलेगा कि खून में आयरन की कमी है या नहीं। अगर वहां के स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपको खाने के लिए आयरन की गोलियां दें तो उन गोलियों को जैसे बताया जाए वैसे ही खाएं। अनीता बहुत समझदार थी। उसने आयरन से भरपूर आहार खाया, बाहर जाते समय चप्पल या जूता पहना और आयरन की गोलियां सही तरीके से खाई। वह फिर से सबल और स्वस्थ बन गई और खुश रहने लगी।